फ्रेंड्स बेटा गुड मॉर्निंग। और हम स्टार्ट करते हैं अपना वही टॉपिक जो कंटिन्यू चल रहा है आज। थोड़ा ना अच्छे से और समझना आप, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करेंगे आज हम जो पढ़ा है उससे रिलेटेड। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इस क्वेश्चन को डिस्कस में बाद में करती हूँ, पहले जो पढ़ा है एक बार मैं वो रिवाइज कर रही हूँ एक मिनट में। देखो, वन मोल रिप्रेजेंट करता है, वन मोल ऑफ द सब्सटेंस रिप्रेजेंट क्या करता है, 6.02 × 10³ पार्टिकल। वन मोल मीन्स इतने नंबर ऑफ पार्टिकल, राइट। कल मास की बात बताई कि हम एलिमेंट का मास एक्सप्रेस करते हैं किसमें, एएमयू। ये एएमयू में जो लिख दिया, इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। और इसको ग्राम में लो तो कितना आएगा, ये 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, जो कि किसके बराबर है, 1/ में अवोगैड्रो नंबर ऑफ ग्राम। ये एक एटम का मास है एलिमेंट के, एक एटम का मास, वे एलिमेंट के एक एटम का मास है एक्स ए एम यू। तो एक्स इंटू दिस और एक्स अपॉन में अवोगैड्रो नंबर, ये एक एटम का। तो अगर एक एटम का मास भैया इतना ग्राम है तो वन मोल एटम्स का मास कितना हुआ, वन मोल एटम का मास कितना हुआ, ये हुआ इतना ग्राम, याद है अपने पास। तो इट मीन्स अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास एक्स ए एम यू था तो उस एलिमेंट के वन मोल एटम का मास एक्स ग्राम आया, और वन मोल एटम्स के मास को क्या बोलेंगे, मोलर मास। मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास। मोलर मास क्या हुआ, मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस, वन मोल सब्सटेंस का मास, जो कि अगर एलिमेंट है तो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। एटॉमिक मास एक्स एएमयू, तो ग्राम एटॉमिक मास एक्स ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ द वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 AMU, तो वन मोल एटम का मास कितना है, 14 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास, इसे ग्राम एटम भी बोलते हैं। और सिमिलरली अगर हमें मोलर मास मोलिक्यूल का बताना है तो मोलिक्यूल का मोलर मास, मोलिक्यूलर मास ले लें, मोलर मास मोलिक्यूल का बताना आपको, तो मोलिक्यूलर मास ले लो, एक मोलिक्यूल का मास, एक मोलिक्यूल का मास क्या हुआ, मोलिक्यूलर मास। एक मोलिक्यूल ले लिया हमने, मान लीजिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोलिक्यूल ले लिया, कितना मास है, 28 AMU, ये एक मोलिक्यूल का मास है, एक मोलिक्यूल का, तो 28/ में अवोगैड्रो नंबर ऑफ ग्राम, ये वन मोलिक्यूल का ही मास है, ठीक। और अगर मैं ले लूं वन मोल का मास, बताओ तो कितना आ जाएगा, 28 ग्राम, वन मोल का मास। वन मोल सब्सटेंस का मास क्या हुआ, मोलर मास, और इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम मोलिक्यूलर मास। 28 AMU था मोलिक्यूलर मास, एक मोलिक्यूल का मास, और 28 ग्राम हो गया वन मोल मोलिक्यूल्स का मास। अब देखो, अभी क्वेश्चन ये दिया हुआ है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्या आप इनमें से रॉन्ग बताइए। देखो, वन मोल मीन्स इतना नंबर ऑफ पार्टिकल, वन मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स होते हैं, सही बात है, राइट। आगे चलो, मोलर मास, मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोलिक्यूल, ये कह रहा है मोलर मास एक मोलिक्यूल का मास है, मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोल मोलिक्यूल्स। मोलर मास किसका होगा, मास ऑफ, ये होता है मोलर मास वन मोल सब्सटेंस का मास। तो मोलर मास एक मोलिक्यूल का मास नहीं, एक मोलिक्यूल का मास नहीं, किसका मास होता है, ये वन मोल का। तो ये चीज गलत हो गई, मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ मोलिक्यूल्स। अगर एलिमेंट तो वन मोल एटम्स, और अगर अपने पास में अपने सब्सटेंस ले रखा है मोलिक्यूलर, तो वन मोल मोलिक्यूल्स। मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस, ये बात सही है, एक मोल सब्सटेंस का मास। मोलर मास इज द मोलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, कि जो मोलर मास होता है वो मोलिक्यूलर मास होता है, पर किस में एक्सप्रेस किया हुआ है, ग्राम में, ठीक बात है भाई। मोलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 AMU, और इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दो, 32 ग्राम, तभी क्या बन गया, ग्राम मोलिक्यूलर मास। और 32 ग्राम इज द मास ऑफ द वन मोल ऑक्सीजन मोलिक्यूल। तो अगर मोलिकुलर मास को ग्राम में लिख दो, मैं ग्राम लगा दू आगे, तो बन गया ग्राम मोलिकुलर मास, एंड इट द मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस। तो यहाँ पे ये चीज गलत हो गए, क्या कि मोलिकुलर मास इज द मास ऑफ वन मोलिकुल, ये गलत हो गया, बाकी सारा सही। ठीक, अब करें इससे रिलेटेड और क्वेश्चन। अगर आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स और दिया हुआ है आपको मास, तो सब्सटेंस के गिवन मास को
वो गिवन मास अब ग्राम में ले लेना ना, डिवाइड बाय द मोलर मास, कि मोलर मास अपने पास किस में होता है, ग्राम में। मोलर मास किस में होता है, ग्राम में। मोलर मास आपको अलग से बताना है कि मोलर मास है क्या, तो ये वन मोल सब्सटेंस का मास है। ये किसका मास है, वन मोल सब्सटेंस का, इतने से वन मोल बन जाता है। अगर अपना सब्सटेंस एलिमेंट है तो ये किसके बराबर है, ग्राम एटॉमिक मास। और अपना सब्सटेंस अगर कोई मॉलिक्यूल है तो क्या हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट। ग्राम एटॉमिक मास को क्या बोलते हैं, ग्राम एटम। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल। इनका दूसरा नाम है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह दो या ग्राम मॉलिक्यूल कह दो, ग्राम एटम बोल दें, ग्राम एटॉमिक मास बोल दें। और ये दोनों क्या बताते हैं, वन मोल सब्सटेंस का मास, मतलब क्या है, मोलर मास, ठीक। अब अपने क्वेश्चन दे दिया जाए कि इफ यू हैव 4 ग्राम ऑफ मिथेन गैस, 4 ग्राम मिथेन गैस, मिथेन का फॉर्मूला पता है, CH4। अगर आपके पास 4 ग्राम मिथेन गैस है तो बताइए इसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं और इसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। क्या पूछ लिया अपने से, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो जब भी बेटा मास दिया जाए ना, मास दिया जाए तो आप क्या निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना। नंबर ऑफ एटम पूछ रहे ना, क्या निकालो, आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले मिथेन के। पहले मैं क्या निकाल लूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेन गैस। ये एन क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास, तो दिया हुआ मास कितना है, 4 ग्राम, गिवन मास अपॉन अपॉन मोलर मास, मिथेन का मोलर मास, मिथेन का मोलर मास। मोलर मास तो वन मोल मॉलिक्यूल्स का मास। कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 4, 12 और 4 इंटू कितना हुआ 16। तो मिथेन का मोलर मास अगर आप 16 amu कहोगे, amu तो एक मॉलिक्यूल का होगा, और मुझे क्या चाहिए, मोलर मास, वन मोल मॉलिक्यूल का चाहिए। तो मिथेन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले लो, 16 amu तो मॉलिक्यूलर मास है, तो 16 ग्राम क्या हो गया इसका, बोलो ग्राम मोलर मास। आई थोड़ी सी बात समझ में, कि गिवन मास को डिवाइड करो तो मोलर मास है, गिवन मास को रिप्रेजेंट करते शॉर्ट में डब्लू, डब्लू क्या है, गिवन मास, दिया हुआ मास, और कैपिटल एम क्या है, मोलर मास। इसलिए बोल देते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो दिया हुआ मास 4 ग्राम और मिथेन का मोलर मास, वन मोल मिथेन गैस का मास 16 ग्राम। तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1/4। अगर नंबर ऑफ मोल्स मिथेन के, मींस कितनी मोल मिथेन आ गई, 0.25 मोल मिथेन आ गया, ठीक। उसने पूछा क्या था वो बताओ, अब उसने पूछा क्या था आपसे कि बताइए कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो अगर अपने पास बेटा वन मोल मिथेन होती, वन मोल मिथेन, तो कार्बन वन मोल होता है ना, देख एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन, तो वन मोल में कार्बन वन मोल, तो बताओ कितना मोल कार्बन एटम है, 0.25 मोल कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम बताने हैं तो या तो कहो 0.25 मोल कार्बन एटम्स हैं, और ये लिख दो 0.25 मोल का मतलब 6.022 × 10³, इतने कार्बन एटम्स हैं, राइट। कितने हाइड्रोजन एटम हैं, अब एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम कितने, एक मॉलिक्यूल में 4, तो एक मोल में कितने हाइड्रोजन एटम, 4 मोल हाइड्रोजन एटम, और 4 मोल हाइड्रोजन एटम का मतलब एक मोल में कितने हैं, 4 मोल हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो अपने पास तो एक मोल है नहीं, अपने पास क्या है, 0.25 मोल, तो बताओ कितना मोल हाइड्रोजन एटम हुए, एक में 4 मोल होते तो 0.25 में कितने हुए, इंटू में 0.25 मोल, मीन्स कितना हुआ, एक मोल हाइड्रोजन एटम आ गए, मीन्स 6.022 × 10³ हाइड्रोजन एटम्स। दोबारा देख लीजिए एक बार कि क्या कहा आपने को, कि आपके पास 4 ग्राम मिथेन गैस है, बताओ
कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए आप क्या निकालो, पहले नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालो, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, कितना मोल मिथेन आ गया 1/4। अब एक मोलिक्यूल में कार्बन एक, तो 0.25 में कितने हो गए बताओ, कितने हो गए 0.25 मोल का एटम। एक में कार्बन हाइड्रोजन 4, तो 1/4 में कितने हो गए, इंटू में 4, इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। आई थोड़ी इस बात समझ में। और देखो आपको दे दिया जाए कि बताइए, इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज, इफ डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी पता है आपको कितनी होती है भाई साहब, वाटर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कहते हैं द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन ए ड्रॉप ऑफ वाटर 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा सेंटीमीटर क्यूब को लिख दो मैं सीसी, अब कई जगह सीसी लिखा हो ना, क्या ये सेंटीमीटर क्यूब। और एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, ये रिलेशन आप पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ के आए तो अब सुन लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब = 1 मिलीलीटर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब = क्या होता है 1 ml। तो कहता है अगर डेंसिटी वाटर कितना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और ड्रॉप ऑफ वाटर क्या है आपके पास, ए ड्रॉप ऑफ वाटर 0.1 ml, सीसी मतलब क्या है सेंटीमीटर क्यूब, 0.1 ml ड्रॉप ऑफ वाटर है। फाइंड द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन दिस ड्रॉप, आप इस ड्रॉप में क्या बताइए, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, आप इसमें नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स निकालो, इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। आई बात समझ में, क्या कहते हैं डेंसिटी दे दी, वाटर के जो ड्रॉप है उसकी वॉल्यूम दे दी, और क्या पूछ लिया उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब सोचो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रिलेशन कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, और उसका रिलेशन किससे है, मोल से। क्या आपको नंबर ऑफ मोल पता चल जाए, नंबर ऑफ मोल पता चल जाए तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल आ जाएंगे, और मोल का रिलेशन मास से है। बोलो क्या रिलेशन है, कि यू नो दैट नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में सब्सटेंस का मोलर मास। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से आ जाएंगे, मास से, और मास कहाँ से आ जाएगा, ये तो रे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप, वॉल्यूम कितनी है 1 ml, जो वाटर की ड्रॉपलेट है उसकी वॉल्यूम कितनी है 1 ml, और उसकी वेल मान नहीं सॉरी कितनी है 0.1 ml, और डेंसिटी कितनी है वाटर की, डेंसिटी है 1 g/cm³, सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml ही होता है, और डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास ऑफ वाटर आ गया, मास ऑफ वाटर क्या गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो बोलो यहाँ पे लिख दें मास ऑफ H2O, कि उस ड्रॉप का मास कितना है, उस ड्रॉप का मास कितना है, तो ड्रॉप में वाटर ही तो है, तो वाटर का मास कितना है, तो डेंसिटी 1 × वॉल्यूम कितनी है 0.1, तो डेंसिटी है ग्राम पर मिलीलीटर में, और वॉल्यूम थे मिलीलीटर में, मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया, मास ग्राम में आ गया, वॉल्यूम ml में, डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में, तो ये ml से ml कट गया, मास किस में आ गया ग्राम में, तो अपने पास वाटर ड्रॉपलेट का मास आ गया, कितना मास है 0.1 ग्राम। ठीक, और वाटर ड्रॉपलेट का अगर मास 0.1 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए। कभी किसी सब्सटेंस का आपके पास मास आ जाए ना, तो आप उस सब्सटेंस के मास को ग्राम में लेके, मास ग्राम में है, डिवाइड कर देना उस सब्सटेंस के मोलर मास से, मोलर मास होता है ग्राम मोलिकुलर मास, 1 mole सब्सटेंस का मास, और वाटर का ग्राम मोलिकुलर मास कितना है बताओ, वाटर का मोलिकुलर मास 2 or 16 18 mu, 18 mu का होता है एक मोलिक्यूल का, और 18 ग्राम बोल दिया तो 1 mole मॉलिक्यूल्स का, तो 0.18 × 18, तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। देखो वाटर ड्रॉपलेट इतना ml थी, डेंसिटी ये थी, उसने क्या पूछ लिया कि इस ड्रॉप में क्या निकालो आप H2O के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ड्रॉप का मास डिवाइड कर दिया मोलर मास से, और अपने पास क्या गए नंबर ऑफ मोल्स। अब बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O
कितने मॉलिक्यूल्स है, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, तो एक मोल में कितने होते हैं 6.02 × 10³। इतने में कितने हो गए 0.1/18 आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, और देखो एक लास्ट क्वेश्चन, फिर और नेक्स्ट वीडियो में इसे वॉल्यूम से भी रिलेट करेंगे। अब देखो जी, ये दे दिया जाए आपको कि वी हैव द पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये दे रखा पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और ये कह दे कि फाइंड द मास ऑफ कार्बन इन द हाफ मोल ऑफ दिस गिवन कंपाउंड। आए कुछ समझ में, तो बताओ इसने कह दिया हाफ मोल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, क्या पूछ लिया, नंबर ऑफ नहीं बेटा मास ऑफ कार्बन। चलो मैं दोनों पूछ लेती हूँ कि इसके हाफ मोल में, ये सब्सटेंस है, इसके हाफ मोल में कितने तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं और कितना ग्राम कार्बन है। मास भी पूछ लिया, नंबर ऑफ भी पूछ ली। देखो अगर मैं इसका एक मोलिक्यूल लू, एक मोलिक्यूल, एक सिंगल मोलिक्यूल, तो उसमें कार्बन एटम 6 है, तो एक मोल में कितने कार्बन है। वन मोल ऑफ द गिवन कंपाउंड हैव द 6 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, एम आई राइट। बोलिए किसके एक मोल में बताओ बेटा 6 मोल कार्बन एटम हुए कि नहीं, पर एक मोल नहीं, आपको कितना दिया हाफ मोल, तो इसके हाफ मोल में कितने कार्बन एटम हुए, 3 मोल कार्बन एटम। तो इसने पूछा था नंबर ऑफ कार्बन एटम, हिसाब किताब तो हो गया कि एक मोल में 6 मोल होते हैं, हाफ मोल में कितने 3 मोल, मोल का मतलब 6.02 × 10³। इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक मास बताओ जी, अगर अपने पास कार्बन एटम 3 मोल है तो मास कितना, एक मोल कार्बन एटम्स का मास, वन मोल एलिमेंट का मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल। तो कार्बन का एटॉमिक मास है बेटा 12 amu का, एक एटम का है, तो ग्राम एटॉमिक मास है 12 ग्राम। ये एक मोल कार्बन एटम का मास है, ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन मोल एटम्स, तो वन मोल कार्बन एटम का मास है, और अपने पास 3 मोल थे तो इंटू 3 कितना आ गया 36 ग्राम। ठीक, ओके, थैंक्स।